हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे सूजी और आलू से बने हुए चटपटे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इन स्नैक्स को लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। चाय के समय या जब छोटी मोटी भूख लग गई तो आप इन स्नैक्स का मज़ा उठा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे होते हैं। तो चलिए इन सूजी आलू के स्नैक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू, 1 कप सूजी, मैंने यहाँ बारीक वाली सूजी इस्तेमाल की है। साथ ही हम लेंगे अमचूर का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी, ओनियन गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई के अंदर 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी जैसा कि मैंने बताया, मैंने बारीक वाली इस्तेमाल की है, इससे स्नैक्स अच्छे बनेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 छोटा चम्मच ही दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। चुटकी भर हल्दी इसके अंदर डालेंगे, सिर्फ कलर के लिए हम डाल रहे हैं ये। अब इसके अंदर हम इसे चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ओनियन गार्लिक का पाउडर 1 छोटा चम्मच। ओनियन गार्लिक का पाउडर इस तरह के पैकेट में आता है, आप कोई भी कंपनी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे इन स्नैक्स को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। तो अब सारी चीज़ें डाल दी हैं हमने, तो स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, तो मैं यहाँ पर टोटल 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। 1 कप मैंने सूजी का लिया था और उसके लिए हम 1.5 कप पानी लेंगे। मैं इसके लिए ये प्रोसेस अपना रही हूँ, आप चाहें तो पानी को पहले उबाल सकते हैं और फिर सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पहले सारी चीज़ों को मिला लें और फिर इसके अंदर पानी ऐड कर लें। तो ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इससे इसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, इसलिए मैंने ये प्रोसेस अपनाई है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। धीरे धीरे जब पानी गर्म होगा सूजी फूलने लगेगी, आप इसे लगातार पैंदे में से चलाते रहें क्योंकि ये पैंदे में ही जाकर चिपकता है। एक बार जब सूजी अच्छे से फूल जाएगी तो ये बाद में नीचे नहीं चिपकेगा। तो 1-2 मिनट के लिए इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहें और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए पका लिया है और सूजी काफ़ी अच्छे से फूल गई है, तो ये एकदम डो की कंसिस्टेंसी तक आ गई है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हार्ड हो गया है। अब सूजी अच्छे से फूल कर और सेट हो जाए, इसके लिए हम इसे एक बाउल में निकाल देते हैं। और ये देखिए, ये काफ़ी हार्ड हो गई है पहले से और सूजी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर हम 2 उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को कद्दूकस करके डालें तो इससे बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे आलू के। आप चाहें तो इसे मैशर से भी अच्छे से मैश करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, आप यदि 1 आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ा वाला आलू इस्तेमाल करें। सारे आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है और अब सूजी का मिश्रण और आलूओं को अच्छी तरह से एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसका एकदम स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। यदि आपके हाथों की ये डो चिपक रहा है तो थोड़ा सा हाथों के तेल लगा लें। तो ये देखिए, मिक्स कर लें इसे अच्छे से। आलू डालने की वजह से इनका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है, अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तेल से और नींबू से भी छोटी साइज की बोल इसे तोड़ेंगे। तो इसे इस तरह शेप दे लेंगे। ये देखिए कितने ईजीली बन रहा है ये, तो आप कोई भी शेप इसे देना चाहें वैसे ही दे लें। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में और सारे हम स्नैक्स इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब चलते हैं इन्हें डीप फ्राई करने के लिए। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा तेल नहीं होना चाहिए। तो हम इन्हें 2 बैचेज में डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, सूजी के जैसे ही स्नैक्स हमने इसके अंदर डाले हैं, इसमें बबल्स आने लगे हैं, यानी तेल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। जब ये डीप फ्राई होते हैं तो ये नीचे पैंदे में ही रहते हैं क्योंकि हमने इसमें आलू और सूजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसे जैसे ये डीप फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, ये हल्के होकर ऊपर आने लगेंगे। तो इनका कलर अब चेंज हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं ये, और पहले की अपेक्षा ये हल्के भी हो गए हैं।
तो अभी इन्हें हम इतना ही डीप फ्राई करेंगे और इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सारे सूजी आलू के स्नैक्स हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे और ये हमारे बहुत ही चटपटे टेम्पटिंग सूजी आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, कैसे लगे आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।